Welcome back to my channel. Let's learn with me. Today we are going to talking about different pronunciation of letter C. यहाँ पर बहुत सारे confusion होते हैं, कभी C को स के रूप में, कभी क, कभी श और कभी च के रूप में बोला जाता है. तो आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे अपने सारे doubts और देखेंगे कि C को क, श और च के रूप में कब और कैसे उच्चारित किया जाता है. तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले देखते हैं सी को स कब उच्चारित करते हैं. जब लेटर सी के बाद ई, आई या वाई आए तो उसका जो उच्चारण होगा वो स के जैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट, सेल, सेंट, सेलिब्रेट. यहाँ पर देखिए सी के बाद ई आया हुआ है. इसी तरीके से सिटी, सिनेमा, सर्कल, सिविल, सर्किट. यहाँ पर सी के बाद आई आया हुआ है. सी आई टी वाई, सी आई एन ई एम ए, सिनेमा, सी आई आर सी एल ई सर्कल, सी आई वी आई एल सिविल, सी आई आर सी यू आई टी सर्किट. तो यहाँ पर देखिए सी के बाद आई आया है तो इसका उच्चारण हम करेंगे स के जैसा. इसी तरीके से सी वाई सी एल ई साइकिल, सी वाई सी एल ओ एन ई साइक्लोन, सी वाई एस टी सिस्ट, सी वाई एल आई एन डी ई आर सिलेंडर. तो यहाँ पर सी के बाद में आया है लेटर वाई, तो इन सभी में हम सी का उच्चारण करेंगे स के जैसे, जब सी के बाद ई, आई या फिर वाई आता है. इसके बाद देखिए हम सी को क कब बोलेंगे. जब लेटर सी के बाद ए, यू, ओ, के, एल या फिर आर, इनमें से कोई लेटर आए तो उसका उच्चारण होगा क के जैसे. फॉर एग्जाम्पल, सी ए बी कैप, सी ए एन कैन, सी ए पी आई टी एल कैपिटल, सी ए एन ए वी ए एस कैनवास, सी ए एम पी कैम्प, सी ए आर कार. तो देखिए यहाँ सी के बाद ए लेटर आया हुआ है इसलिए इसका उच्चारण क के जैसा हो रहा है. इसी तरीके से सी के बाद जब यू आए उसे भी हम क के जैसा उच्चारित करेंगे, जैसे सी यू बी ई क्यूब, सी यू टी कट, सी यू एल टी कल्ट, सी यू बी कप, सी यू पी कप, सी यू टी ई क्यूट, सी यू एल टी यू आर ई कल्चर. यहाँ पर सभी में देखिए सी के बाद यू आया है और इसको हम क पढ़ते हैं. इसी तरीके से सी के बाद ओ, इसके एग्जाम्पल देखते हैं. सी ओ यू एन टी काउंट, सी ओ डब्ल्यू काओ, सी ओ टी कॉट, सी ओ एन ई कोन, सी ओ टी टी ओ एन कॉटन, सी ओ एफ एफ ई ई कॉफी, सी ओ एम ई कम. यहाँ पर सी लेटर के बाद ओ लेटर आया है तो इसका उच्चारण हम क के जैसा करेंगे. यहाँ पर देखिए सी के बाद के, सी के बाद में के आया है तो इसे भी हम क के रूप में उच्चारण करेंगे, जैसे सी एल ओ सी के क्लॉक, एल ओ सी के लॉक, एफ आर ओ सी के फ्रॉक, के एन ओ सी के नॉक, आर ओ सी के रॉक. यहाँ पर देखिए सभी सी लेटर के बाद में के लेटर आया हुआ है इसलिए हम इसका भी उच्चारण क करेंगे. यहाँ पर सी के बाद एल आया है, इसका भी उच्चारण क के जैसा होता है. सी एल यू बी क्लब, सी एल ओ एस ई क्लोज, सी ओ सी एल ओ यू डी क्लाउड, सी एल ई वी ई आर क्लेवर, सी एल ओ टी एच क्लॉथ, सी एल ई ए एन. यहाँ पर सब में सी के बाद एल लेटर आया है इसलिए इसको क के जैसा उच्चारित किया गया है. इसके बाद सी के बाद जब आर लेटर आए, फॉर एग्जाम्पल सी आर ओ डब्ल्यू एन क्राउन, सी आर वाई क्राई, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, सी आर यू एस एच क्रश, सी आर ओ एस एस क्रॉस,
crust, crust. So आपने देखा C के बाद A, U, O, K, L, R लेटर अगर आते हैं तो उनका उच्चारण क के जैसा होता है. इसके बाद देखते हैं C लेटर के साथ में H लगा हो तो उसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है. C के साथ में H लेटर लगने पर तीन तरीके से इसका उच्चारण होता है, च, क और श. यहाँ पर च उच्चारण आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क और श वाले थोड़े लेटर्स मिलते हैं, वर्ड्स मिलते हैं. तो जैसे सी एच ए आई आर चेयर, सी एच है और इसका उच्चारण है च. सी एच ए आई एन चेन, सी एच ए एन जी ई चेंज, सी एच ए आर जी ई चार्ज, सी एच ए एन एन ई एल चैनल. तो यहाँ पर इनका उच्चारण च है. इसी तरीके से सी एच ए ओ टी आई सी क्योटिक, सी एच ए आर ए सी टी ई आर कैरेक्टर, सी एच ई एम आई सी ए एल केमिकल, सी एच ई एम आई एस टी केमिस्ट, सी एच ई एम आई एस टी आर वाई केमिस्ट्री, सी एच एल ओ आर आई एन क्लोरिन. यहाँ पर भी देखिए सी एच लगा है बट इसका उच्चारण हो रहा है क. फिर कुछ वर्ड हैं जैसे शिफॉन, सी एच आई एफ एफ ओ एन शिफॉन, सी एच आई ई एफ शेफ, सी एच ए एम पी ए जी एन ई शैम्पेन. यहाँ पर भी देखिए सी एच है लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है श. इसका रीजन यहाँ पर देखिए कोई नियम नहीं है इसको बताने के लिए, क्योंकि ये इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये जर्मन फ्रांस या रूस से आए हुए हैं. तो इनका उच्चारण उन देशों में इसी तरीके से किया जाता है सो दैट ब्रिटिश इंग्लिश में इनको जैसे का तैसे रख दिया गया और इनका भी उच्चारण ऐसे ही किया जाता है जैसे उन देशों में होता है. सो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे. देखा और आता है सी का उच्चारण श के जैसा. जब लेटर सी के बाद आई ए या फिर ई ए लगा हो तो उसका हम उच्चारण करते हैं श के जैसा. जैसे फेशियल, सोशल, ओशन. यहाँ पर देखिए सी के बाद आई ए है, यहाँ पर भी सी के बाद आई ए आया है और यहाँ पर ई ए आया है. तो फेशियल, सोशल, ओशन, इस तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे. अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.